हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हैं एक नया वीडियो लेके। मशीन देख के आपको पता चल रहा होगा कि ग्रेडर मशीन है सानी का, तो इसमें हम आज मेंटेनेंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। ये है एयर फिल्टर जो हम अभी नया लगा दिए हैं। अभी एयर फिल्टर नया लगा है, उसका हमारा जो ऑपरेटर है इसको साफ़ कर रहे हैं। बहुत डस्ट हुआ था, हम उसको आपको पुराना वाला भी देख रहे हैं इसका कैसा डिजाइन दिया हुआ है। एयर फिल्टर ऐसा ही रहता है। ये हम वीडियो करने से पहले ये इसको निकाल दिए थे। अभी इसका जो है गियर बॉक्स का ऑयल टैंडम का, उसको हम गियर ऑयल ड्रेन कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जरूर जुड़े रहिए। ग्रेडर का फुल 1000 घंटा का मेंटेनेंस, 1000 आवर मेंटेनेंस, हम फुल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएंगे कैसे होता है मेंटेनेंस, क्या पे ड्रेन होता है, कैसे ड्रेन करना है, कौन सा पाना लगेगा। ये 12 नंबर एलिंग से इसका ड्रेन बोल्ट ड्रेन हो रहा है। चारों प्लग है इसमें, चारों तरफ से ड्रेन करना पड़ता है। चारों तरफ से ड्रेन करने से पूरा ऑयल ड्रेन हो जाएगा। ये अभी देखिए ऑयल धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि ऊपर का जो डमी प्लग है हम खोले नहीं अभी तक, उसको खोल देंगे तो तेल जल्दी आएगा। देखिए तेल का स्पीड बढ़ गया। अभी इधर चलते हैं। देखिए यहाँ से हम इंजन ऑयल भी ड्रेन करते हैं। यहाँ पे आपका 27 नंबर का पाना लगेगा, 26-27 का पाना ले आइए। तो इसमें इंजन ऑयल ड्रेन कीजिए। ये जो हम बोल रहे थे एयर निकलने वाला, यहाँ से एयर निकलता है, यही प्लेट से हम ऑयल भी डालेंगे। ये उसका गेज, लेवल गेज है इसमें। अभी हम दूसरा साइड से ड्रेन कर रहे हैं। 4 ड्रेन ब्लॉक से ड्रेन करना है। यहाँ पर आपका 28 लीटर लगेगा। एक साइड में 28, दूसरे साइड में 28। यह आपका ग्योरेल डालने के लिए खोल रहे हैं। नीचे में उसका ड्रेन वाला भी है, मिडिल में गेज है, इस प्लग दूसरा साइड में गेज है, ग्लास वाला गेज। देखिए चारों हॉब से गियर ऑयल ड्रेन कर देंगे। ये देखिए नीचे से कैसे ड्रेन हो रहा है। 12 नंबर एलिंग ही सब में लगेगा। आपको एक एलिंग की अच्छा वाला एक पाइप चाहिए खोलने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिए। देखिए हम अभी अंदर में आए हैं। ये आपका टैंडम का मेन, ये यहाँ से ऑयल ड्रेन होगा। इसका एयर निकलने वाला ब्रेदर, ये ट्रांसमिशन, यहाँ से ऑयल ड्रेन होता है। देखिए ट्रांसमिशन यहाँ से ऑयल ड्रेन हो रहा है। उसके बाद हम से गियर ऑयल ड्रेन करेंगे। इसका ड्रेन प्लग, चलिए अब इसको ड्रेन करेंगे।
ट्रांसमिशन वाला तो ड्रेन हो गया, टर्नम का गियर ऑयल ड्रेन करेंगे। यहाँ पे ऑयल फिल होगा, फिर इसको अभी खोलेंगे, अभी यार जाएगा तो आपका ऑयल जल्दी बाहर आएगा। यहाँ पे भी सही 12 नंबर ऑयल इंकी लग रहा है। देखिए आपको दिखा रहे हैं 4 ड्रेन प्लग। देखिए गियर ऑयल ड्रेन होने लगा है, अभी स्लो आ रहा है, उसको प्लग खोले नहीं है। ड्रेन होता रहेगा, अभी चलते हम ये आपको नया फिल्टर दिखा रहे हैं। ये सब हम फिल्टर लाए हैं नया चेंज करने के लिए। फ्यूल फिल्टर है, वाटर सेपरेटर है, ट्रांसमिशन फिल्टर, हाइड्रोलिक रिटर्न फिल्टर, ये सब चेंज करेंगे। अभी हम देखिए आपके वहाँ ये हाइड्रोलिक पम्प साइड में ट्रांसमिशन के साथ ट्रांसमिशन फिल्टर जुड़ा हुआ है। ये आपका वाटर सेपरेटर फिल्टर, ये भी चेंज होगा। ये इंजन ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल फिल्टर खोल रहे हैं अभी पहले। उसके बाद वाटर सेपरेटर फिल्टर खोलेंगे। ये बहुत ही टाइट रहता है, एक बार कचरा हो गया था तो खोले थे, तो ये अभी लूज है। पहली बार जब खोलते हैं ना बहुत टाइट रहता है, आराम से खोलना है। नीचे कनेक्टर था, तो कनेक्टर भी पहले खोलना है। यह आपका गया फिल्टर, देखते हैं ये फिल्टर आपको कैसे निकालना है। छोटा सा पिचकस लेके उसके ऊपर उठा तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर राइट साइड में फ्यूल फिल्टर, ये प्लेट थोड़ा निकालना पड़ता है लगाते समय, क्योंकि लगाते समय थोड़ा दिक्कत करता है। देखिए लगाते समय बहुत दिक्कत करता है, खुलते समय तो आराम से खुल जाएगा। सब जगह में दिया है, मेरे हाथ से भी फिसल गया। अभी हम नया फ्यूल फिल्टर डीजल भर के लगा दिए, उसके बाद वाटर सेपरेटर फिल्टर लगा रहे हैं, इंजन ऑयल फिल्टर भी लग गया है। वाटर सेपरेटर फिल्टर को पूरा लेवल में सही से लगाना है, एक भी थ्रेड गलत हो गया तो फिल्टर टाइट हो जाएगा। फिल्टर लग गया, टाइट भी हो गया। अभी हमारा दोस्त लोग इंजन ऑयल डाल रहे हैं, इसमें 24 लीटर इंजन ऑयल डालते हैं, लेवल तक के सही से इंजन ऑयल डालना है। ये इंजन ऑयल गेज साइड में ही दिया है इसका,
आपको दिखाते हैं इंजन ऑयल गेज कितना आया है। ठीक है, इंजन ऑयल लेवल अभी हम चलते हैं ट्रांसमिशन फिल्टर लगाने के लिए। यहाँ पे आपको दिखा रहे थे पहले, इसी जगह में ट्रांसमिशन फिल्टर लगता है। थोड़ा सा फिल्टर का पेपर भिगा के यहाँ पे ट्रांसमिशन फिल्टर लगाना है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आराम से लग जाएगा ट्राई करने से। अंदर घुसना पड़ता है पूरा लगाने के लिए। फिल्टर लग गया, अब इसको थोड़ा सा फिल्टर ड्रेन से टाइट कर देंगे। दोस्तों अभी हम आए हैं अभी ट्रांसमिशन ऑयल डालने के लिए। ट्रांसमिशन तो ड्रेन हो गया था, अभी हम ट्रांसमिशन ऑयल देखिए कैसे जुगाड़ से डाल रहे हैं। ट्रांसमिशन डालने के बाद गियर ऑयल डालेंगे। ट्रांसमिशन ऑयल डालने के लिए गियर का जो जल्दी होने के लिए प्लेट खोल दे रहे हैं। प्लेट खोलने के बाद यहाँ पे 20 लीटर हम गियर ऑयल डालेंगे दोनों साइड में, एक साइड में 28 और साइड में 28 डालेंगे। ये आपका हो गया लेफ्ट साइड, उसके बाद राइट साइड डालेंगे। इसका गेज यहाँ पे दिखाएगा आपका गियर ऑयल। बीस लीटर डालने के बाद 3 नंबर मल्टी चल रहा है, उसे टाइम में लेवल देख के बंद करना है। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा भाई तो चलेगा, कोई बात नहीं। इसको भी प्लेट को लगा देंगे, इसका काम ख़त्म। प्लेट को सही से, बोल्ट को सही से टाइट करना। 12-13 का पाना लगता है यहाँ पे इसको खोलने के लिए। इसके मेंटेनेंस डिटेल्स, पाना का क्या क्या ज़रूरत है, सब आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं, आप चाहे देख सकते हैं। अभी दूसरा साइड चल रहा है। अभी हम यहाँ पे जो टेंडम का मेन गियर ऑयल ड्रेन के थे वहाँ पे ऑयल डालेंगे। अभी उसका बहुत अंदर में दिया तो उसका जुगाड़ बना रहे हैं डालने के लिए। मस्त जुगाड़ रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आपका 38 लीटर गियर ऑयल डालेंगे।
यहाँ पे बहुत टाइम लगता है ग्यारल लाने में। सही जुगाड़ रहेगा तो जल्दी जल्दी ग्यारल जाता है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। देखिए कैसे पाइप लगाया है, ये हमारा ऑपरेटर भाई साहब और मेरा एक साथी है इसमें मेंटेनेंस करने के लिए। देखिए पाइप कैसे लगा हुआ है, ये तो भाई साहब ऊपर भी चले गए डालने के लिए। यहाँ से अच्छा नहीं हो रहा, यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा था। ये हमारा हेल्पर भाई साहब यहाँ पे जो हम ग्यारल ड्रेन किए थे, अब मैं यहाँ पे आपका 1 से 1.5 लीटर के अंदर लगता है, इसमें एक बोतल में लेके पाइप से डाल रहे हैं। अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं, लेकिन यही मेन चीज़, ये ग्यारल कम हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम आएगा, तो इसको ज़रूर चेंज करना है। आपका टोटल 100 लीटर में आपका 1000 घंटे का मेंटेनेंस ग्यारल चाहिए। चारों को डालने के बाद सही से टाइट करना है, सबको एक बार फिर से देखना है टाइट कौन सा छूट क्या होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सबको अच्छे से टाइट करना है साफ करके। इसका ग्लास गेज मैनुअल गेज भी है अंदर, ऑपोजिट साइड में इसका एलिंग की। अभी इसका स्विंग जहाँ पे आपका ब्लेड लगता है स्विंग में हम ग्यारल डाल रहे हैं। इसका ड्रेन हो गया था, नीचे में इसका ड्रेन प्लग है, ये इसका ग्लास गेज है। यहाँ पे हमारा 6.5 लीटर ग्यारल लगता है, आपको आराम से डालना है सही से। अभी चलते हैं हम DEF फिल्टर कैसे चेंज करते हैं, लेकिन ये फिल्टर आया नहीं है तो हमको सिर्फ आपको खोल के दिखा देंगे के अंदर रहता है कैसा है, इसको कैसे साफ करते हैं। इसमें 2 प्लग है, एक इलेक्ट्रिकल भी प्लग है। निकालने के बाद ये ऐसा दिखता है, ये वाला जो नीचे फिल्टर है इसको हम पानी से भी साफ कर सकते हैं। पानी से साफ करके इसको भी फिलहाल लगा देंगे, इसका फिल्टर आने के बाद नया चेंज करेंगे। ये टंकी का जो हमें डालते हैं हम DEF जो यूरिया बोलते हैं वो वाला फिल्टर, इसको भी हम चेंज किए, ये आया था नया। उसके बाद मेन काम हम हाइड्रोलिक रिटर्न फिल्टर चेंज करेंगे, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, आपको दिखाया नहीं। यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक रिटर्न फिल्टर रहता है, जो कि एक मुश्किल, जो हाइड्रोलिक फिल्टर खोलते ही आपका तेल आता रहता है तो इसको आपका खाली बाल्टी भरने के लगाने के लिए पड़ेगा, इसको तेल ड्रेन होते रहेगा, उसी टाइम पे आपको फिल्टर चेंज करना है। पुराना फिल्टर निकाल के नया फिल्टर लगाना है, उसमें लगाने वाला होगा तो। अभी हम देखिए फिल्टर कैसे लगाते हैं, बहुत ही आसान है। एक फिल्टर पर जैसे हमारा पायलट फिल्टर जैसे चेंज होता है वैसे निकालो लगाओ, उसका जो पायलट जैसे टाइट करता है, नीचे में बोल्ट है वहाँ पे भी 7 दिनों का पन्ना लगता है, वहाँ पे लगाओ टाइट करो, सिर्फ अच्छे से लगा के टाइट करना है। हर बार होने से कुछ भी नहीं हो पाएगा, आराम से बैठो और लगाओ। लाओ सीधा फिल्टर को बैठा, फिल्टर को लाओ, फिल्टर नहीं दबा रहा है क्या? थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है क्योंकि तेल गिरता रहता है, हाथ भीगा रहता है। अभी चलते हैं हम केबिन में, एसी फिल्टर सीट के नीचे है, सीट के नीचे तो नहीं, सीट के पीछे, बिना सीट खोले भी कर सकते हैं,
लेकिन ये खोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो हम सीट को खोल दिए थे आराम से। इसको सीट वाला पीछे का जो नट है हाथ में खुल सकता है वो, उसको खोल के एसी फिल्टर, हम एसी फिल्टर भी आया नहीं है तो इसको हम दिखा दिए आपको एसी फिल्टर कहाँ पर रहता है। इसको हम ब्लोअर में साफ करके फिर से लगा देंगे। इसका डिस्प्ले हम हमारा और एक वीडियो है जिसमें हम ग्रेडर का सब पार्ट्स दिखाए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आपको हम अभी दिखा रहे हैं सब कुछ चेंज होने के बाद। स्टार्ट मारने के बाद देखिए हम ट्रांसमिशन ऑयल चेक करेंगे, ट्रांसमिशन ऑयल स्टार्ट करने के बाद ही चेक करते हैं। ट्रांसमिशन ऑयल ठीक है, और ऑपरेटर भाई साहब थोड़ा ऑपरेटिंग करेंगे, ऐसा कैसा कंडीशन था, कैसा कंडीशन अभी है, कैसा उनका परफॉर्मेंस लग रहा है बताएंगे। चलिए दोस्तों, हमारा अभी का आज का काम ख़त्म हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, मशीन का ऑपरेटिंग शुरू हो गया। मेंटेनेंस करने के बाद मशीन सही चल रहा है कि नहीं, सबका सब फंक्शन सब ऑपरेटिंग सही है कि नहीं चेक करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका सब कन्फर्म हो पाएंगे कि मशीन ओके है। हम ऑपरेटर को बोले हैं वो सब ट्रायल करेंगे, देखेंगे तभी जो हम काम किए हैं उसका सेटिस्फाई मिलेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक फॉलो और बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आता रहता है तो आपको पहले नोटिफिकेशन आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।